बलरामपुरी बड़ी मसाफतें तय करते हुए यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। जाहिर है कि उनको आवाज़ देने से पहले मैं रन्नों के मोमिनीन के इखलाक इम्तिहान लेते हुए ये गुजारिश करूँगा कि सलीम बलरामपुरी इस वक्त से लेके उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक मोमिनीन आ नहीं जाएंगे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि आप किसी को बुलाइए और फिर उसके बाद यहाँ से उठ के चले जाइए। हाँ, सलीम साहब के पढ़ने के बाद क़िबला काबा मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला इंशाल्लाह आप हजरात से मुखातिब होंगे। सुनिए साहब, असद साहब को आप लोगों ने दाद दी है। क़िबला, आज जो महफिल की निज़ामत मैंने शुरू की दो मिसरों से किया। मोमिनीन ने जिस अंदाज में दाद और तहसीन से नवाजा, मुझे ये आइडिया हुआ कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हल्के बात करो, मोमिनीन अपना सुनते रहेंगे, दाद देते रहेंगे। असद साहब, एक शेर आपने पढ़ा था, मैं उसी शेर को आगे बढ़ा रहा हूँ कि कब तक धमाके करते रहोगे यजीदियो। यही मिसरा था ना, आप लोगों ने याद होगा ना, कब तक धमाके करते रहोगे यजीदियो। ये जहन में रखिएगा, मुझे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, बस मुझे ये बताना है कि जर्मनी में एक शायर रहते हैं जिनका नाम है इकबाल हैदर। वो दिल्ली आए, मुझे उन्होंने फ़ोन किया, अर्शी मियाँ मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने कहा आइए। फिर मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया, मैं एक जगह बैठा हुआ था। सुनिए, उन्होंने क्या किया। अब जाहिर है दो आदमी कहीं बैठे और फिर शेर व शायरी की बात ना हो तो फिर मज़ा ही क्या है। अब बैठे रहे, कब तक धमाके करते रहोगे यजीदियों। सुन लीजिए जो कहना चाह रहा हूँ, मुझे मालूम है कि जो साइंस कहती है कि वो इंसान सिर्फ 45 मिनट तक बैठने का जज्बा रख सकता है, लेकिन ये जिक्र अहले बैत है जो 45 मिनट नहीं बल्कि 45 घंटे बैठा सकता है। मुझे मालूम है, मुझे पता है आप लोगों की बातों, आप थक गए हैं, लेकिन जो कहना चाह रहा हूँ अगर मैं यहाँ न कहूँ तो जाहिर है इस खूबसूरत महफिल के साथ हक तलफी होगी। चाचा, मैंने इसीलिए इस बात का इंतखाब किया है। इकबाल साहब बैठे रहे, उन्होंने अपने मरसिए के कई एक मुसद्दस मरसिए के बंद सुनाए मुझे, मैंने उसको सुना भी। फिर इकबाल साहब ने वो किताब मुझे दी, मैंने उसमें से कुछ बंद अपनी निजामत के लिए सिलेक्ट किए। 7-8 बंद मुझे मालूम है, याद है, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है। मैं सिर्फ एक बंद की एक बैत पढ़ूंगा। रन्नों में ये दोनों मिसरे छोड़ के जाऊंगा, जब कभी भी मुझसे मुलाकात हो तो मुझे बताइएगा कि ये दोनों मिसरे हैं कैसे। कब तक धमाके करते रहोगे यजीदियो। अली हैदर, सुनो मिसरा पढ़ो। सुनो जी आरिफ, चाय बाद में पीना, हो सकता है मिसरे सुनने के बाद तुम चाय भूल जाओ। कब तक धमाके करते रहोगे यजीदियो। इकबाल हैदर के एक बंद की सिर्फ बैत पढ़ रहा हूं, यानी पांचवा और छठा मिसरा, कि कब भला अपने बुजुर्गों से ये कम लाते हैं। कब भला अपने बुजुर्गों से, कब भला अपने बुजुर्गों से ये कम लाते हैं। वो सनम लाते थे मस्जिद में, ये बम लाते हैं। कब भला अपने बुजुर्गों से ये कम लाते हैं। वो सनम लाते थे मस्जिद में, देखा आपने। अब देखिए मजमे ने जिस हिसाब से दाद दी है ऐसा लग रहा है 9:30 बज रहा है।
आइए गुजारिश करूं, सलीम साहब बलरामपुरी से माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामेईन को नवाजें। आप मुसलसल बैठे हुए थके हुए हैं, मुझे पता है। सलीम का सफ़र और चेहरा ये बता रहा है कि इनके ऊपर भी थकन का एहसास है, लेकिन ये महफिल जिस रंग में चल रही है दोनों की थकन दूर करेगी। नारा हैदरी। हाज़रीन महफ़िल सलामुन अलैकुम। इस पुर मसर्रत जश्न की आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक दुरूद पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर अली की विलायत से हम कर जाते से हम कर जाते। हाजिर कर रहा हूं शेख, मुलाहजा फरमाए। अगर अली तेरा सजदा न सामने होता, अगर अली तेरा सजदा सामने होता, नुसरियों के इलाके में हम ठहर जाते। अगर वो शेर ऋषि भाई जिसके लिए मतला एक शेर पढ़ा मैंने, दरे हुसैन पे बैठे तो हम उठे ही नहीं, दरे हुसैन पे बैठे तो हम उठे ही नहीं, यहाँ पे शाम हुई ही नहीं के घर जाते। से हम कर फरमाए, यहां से एक मतला चंद अशआर मोहम्मद मतला हाजिर करता हूं। देखिए बतौर खास ये बात सोफी एक दुरूद पढ़ते हैं हजरात।
तुम कोई ए लाल हुआ था वो दिन याद करो खुम कोई ए लाल हुआ था वो दिन याद करो अरे कितनों करो। हजरत मैं बहुत मूड में पढ़ रहा हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप उसी तरह सुनेंगे। शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। हमें कोई ये लाल हुआ था वो दिन याद करो कहते हो इमरान को काफिर जाएगी अरे अखदूसी काफिर ने पढ़ा था वो दिन याद करो नर हैदरी में कोई ए लाल हुआ था वो दिन याद करो। फरमाए, शेर हाजिर करता हूं। एक कैदी का खुतबा सुनकर सन्नाटा दरबार में था सन्नाटा दरबार में था अरे तालिब बैत कांप रहा था वो याद करो हमें कोई ऐलान हुआ था वो दिन याद करो। एक हकीकत पेश कर रहा हूं, मुलाहजा फरमाए। जंग को तुमने जंगे जमल में कौन लड़ा था वो दिन याद करो कर्बला की जंग को तुमने शहजादों की जंग लिखा शहजादों की जंग लिखा जंगे जमल में कौन लड़ा था वो दिन याद करो हमें कोई। ये भी शेर मुलाहजा फरमाएंगे, देखेंगे। हम ही शायद भूल रहे हैं याद हो तुमको तुम ही बताओ याद हो तुमको तुम ही बताओ अरे कौन ओहद में भाग रहा था वो दिन याद करो कोई ए लाल हुआ था वो दिन याद करो। अहले इल्म का मजमा है, मुलाहजा फरमाए। असद भाई, अर्शी भाई,
शेर हाजिर करता हूँ, देखिए शायद फिलहाल। प्यास के कदमों अब्बास के चाहने वाले बैठे, शेर हाजिर करो। प्यास के कदमों में सर राखे कौसर के मशकीजे से, कौसर के मशकीजे से, अरे दरिया पानी मांग रहा था वो दिल याद करो। ऐलान हुआ था वो दिल याद करो। मुलाहजा फरमाए, ये भी शेर हाजिर करता हूं। तुम जो विलायत के मुनकिर हो, किसने तुम्हें गुमराह किया, किसने तुम्हें गुमराह किया, अरे हारिस का क्या हश्र हुआ था वो दिल याद करो। ऐलान हुआ था वो दिल याद करो। मुलाहजा फरमाए, फिर एक शेर हाजिर करता हूँ। देखिए मौला हुसैन के चाहने वाले बैठे, जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम आपकी आगोश में, आपके गुलूए मुबारक से लहू जारी। एक मंजर है, मुलाहजा फरमाए। तीर कजा सैराब था लेकिन जान लबों पर अटकी थी, जान लबों पर अटकी थी, शाखे तश पर फूल खिला था वो दिल याद करो। ऐलान हुआ था वो दिन याद करो। देखेंगे हजरात यहां से लुत्फ उठाएं, दो तीन शेर हाजिर करता हूं यहां से। बखिन बाकिन अपनी जबान से मगर, अरे सांप दिलों पर लौट गया था वो दिल याद करो। में कोई ऐलान हुआ था वो दिल याद करो। मुलाहजा फरमाए, देखेंगे जबान देखेंगे अकबर भाई। आज नबी को तुमने उम्मीद कह तो दिया लेकिन सोचो, कह तो दिया लेकिन सोचो, अरे कल तो कलम एक शेर के लिए मैं एक मतलब इंशाल्लाह ताला आपके सहारुख में, हाँ जी मैं फरहुख में आपका जी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा समय से इंशाल्लाह हाजिर करूँगा। चाह रहा हूँ कि कुछ नए शेर सुना दूँ। मुलाहजा फरमाए, एक शेर के लिए मैं एक मतलब दो शेर हाजिर करता हूँ। मुलाहजा फरमाए,
कुछ इतना इख्तियार फातिमा है, कुछ इतना इख्तियार फातिमा है, मलक खिदमत गुजारे इधर वाले थोड़ा सा सहारा दें। अभी जन्नत का दर खुलने न पाए, अभी जन्नत का दर खुलने न पाए, खुदा को इंतजार इंतजारे फातिमा है। हमारे असद भाई ने बहुत अच्छे शेर सुनाए, मैं लाइव आपको सुन रहा था, बीबी की बकरी के सिलसिले में भी एक शेर सुनाए, मैं भी एक शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहजा फरमाए। किसी में दम हो तो आकर गिराए, कह दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। कल शब में आपसे बात हुई समीम भाई से, तो आप फैजाबाद मनियारी में पढ़ के डायरेक्ट यहाँ पर आना, मैं इनका बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। इस तरह से वाकई शायर और शायरी पसंद है कि अगले शायर ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, फौरन हम लोगों ने रब्ता किया सलीम भाई से, उन्होंने कहा हसन भाई मैं मनियारी फैजाबाद में पढ़कर जरूर हाजिर दूंगा। आइए मोमिन अमीनों, दिल से आखिरी शायर है, इसके बाद मख्ता महफिल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब कुल्ला होंगे। आइए शायद मेरा इस साल का ये आखिरी नारा है, मेरा भी दुआ करिए, साल आइंदा अगर जिंदगी रहेगी तो फिर नारा लगेगा। हाथों को बुलंद करिए, सलीम पर नाम बोली का इस्तेमाल करिए। अब जब तक दोनों हाथ दे बोले उन दोनों में नारा नहीं लगाऊंगा, पहले हाथ उठा दिए कैमरे वाले दिखा दीजिए। सुबह का 4 बज रहा है, रंगों की सरजमीन पर इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, नारे फरमाए। एक मतला चंद्रशार, किसी में दम हो तो
फातिमा है। एक मतला दो तीन शेर और मैं हाजिर करता हूँ। हाँ जी 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 मैं वो भी हाजिर करूँगा। कुछ मुझे चूँकि यार अकबर भाई ने कल ही बताया कि हाँ मिसरा भी है, तो दो तीन शेर मुलाजा पर बरा इसलाह देखेंगे। अशी भाई एक और दुरूद पढ़ दें हजरत। कहाँ वो बात फलक वाले आफताब में है, जो बात यूसुफ़े ज़हरा तेरे शबाब में है, बात यूसुफ़े कहाँ वो बात फलक वाले आफताब में है, जो बात यूसुफ़े ज़हरा तेरे शबाब में है, जो बात यूसुफ़े इसी सबब से तिलावत मैं रोज करता हूँ, इसी सबब से तिलावत मैं रोज करता हूँ, मेरे इमाम की मिदहत इसी किताब में है, इसी सबब से तिलावत मैं रोज करता हूँ, मेरे इमाम की मिदहत सी किताब में है, मेरे मेरे इमाम। देखिए शेर आलम एक इंतजार है आंसू है और मुसल्ला है, एक ये इंतजार इबादत के हर निसाब में है, ये इंतजार इबादत के हर निसाब में है, इबादत इबादतें तो
मोहब्बत है तुम्हारे मुनकिर की, हयात उसकी मुसलसल मगर अजाब में है, हयात उसकी। मुसलसल मगर अजाब में है, अली के शेर की सब हसरतें निकालेगी, अली के शेर शबाब में है। अली की तेग की सब हसरतें निकालेगी, अली के शेर की सब हसरतें निकालेगी, अली की तेग का जौहर अभी शबा हिजाब में है, अली की तेग का जौहर अभी हिजाब में है। मुलाजा फरमाए, यहाँ से एक मतला चंद अशार और उसके बाद कुछ हुक्म है अपने छोटे भाइयों के, मुलाजा फरमा लें। मतला जो अब तक सो रहे हैं वो उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए बेदार हो जाएं, कि नमाज का वक्त भी करीब है और आपके लिए दो तीन शेर आप अराकीन की तरफ से पढ़ देता हूँ कि ऐ गुलामाने अली मुर्तजा जीते रहो, ऐ सना खाने हबीबे किबरिया जीते रहो, किस मोहब्बत और किस जज्बे से तुमने जश्न का एहतमाम आखा की आमद पर किया जीते रहो, एहतमाम आखा की आमद पर किया जीते रहो, रात भर महफिल में बैठे सुबह की पढ़ली नमाज, रात भर महफिल में बैठे सुबह की पढ़ली नमाज, चलते चलते कह गई वादे सबा जीते रहो, रात भर महफिल में बैठे सुबह की पढ़ली नमाज, चलते चलते कह गई वादे सबा जीते रहो। मुलाहजा फरमाए, इन दुआओं के साथ एक मतला चंद अशार हाजिर करता हूँ, मतला देखेंगे। जो दया मौत से डर के इश्क अली छोड़ दे, मौत से आज जगह जगह खुदकुश हमले हो रहे हैं, हमें मारा जा रहा है,
मुलाहजा फरमाए। मौत से डर के इश्क अली छोड़ दे, मौत से डर के इश्क अली छोड़ दे, इससे बेहतर है हम जिंदगी छोड़ दे। डर के इश्क अली छोड़ दे, इससे बेहतर है हम कर है हम जिंदगी छोड़ दे, हर कदम पर करे खुल के जिक्र अली, हर कदम पर करे खुल के जिक्र अली, जो डर के इश्क अली छोड़ दे, इससे बेहतर है हम जिंदगी छोड़ दे। पैगाम मुर्तजा के फजाइल पे शक हो जिन्हें, मुर्तजा के फजाइल पे शक हो जिन्हें, ऐसी कम ज़र्फ वो आशिकी छोड़ दे, मौत से अंदर के इश्क अली छोड़ दे, इससे बेहतर है हम जिंदगी छोड़ दे। मुलाहजा फरमाए, जो दिखाए मुनाफिक के चेहरे हमें, खुदा लानत करे वसीम रुश्दी पर कि जिसने तौहीने रसालत में क्या नहीं बोला। जो दिखाए मुनाफिक के चेहरे हमें, उन चरा लहजा फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले बैठे हैं, एक बहुत ही नाजुक शेर हाजिर कर रहे हैं, देखेंगे आशी भाई। हो रसूलों से गर इम्तिहान हुसैन, हो रसूलों से गर इम्तिहान हुसैन, पीछे हट रसूलों से गर इम्तिहान हुसैन, हो रसूलों से गर इम्तिहान हुसैन, पीछे हट से डर के इश्क अली छोड़ दें।
इससे बेहतर है हम जिंदगी छोड़ दे। मुलाजा फरमाए ये भी काफिया इंशाल्लाह देखेंगे। इससे बेहतर है हम जिंदगी छोड़ दे। मुनकिरे खुमकान जाम देखेगा वो, मुनकिरे खुमकान जाम देखेगा वो, कब्र में बुलाए के आदमी छोड़ दे। मुनकिरे खुमकान जाम देखेगा वो, कब्र में अपना एक आदमी छोड़ दे। कब्र में अपना एक आदमी छोड़ दे। मुलाहजा फरमाए तमाम मुनाफिकीन पर ख़ास तौर से वसीम रुश्दी पर खुदा की लानत है। मुलाहज़ा फरमाए, शेर हाजिर करता हूँ। गैर के लब खिलाफ़े अली क्यों खुले, गैर के लब खिलाफ़े अली क्यों खुले, गैर के लब खिलाफ़े अली क्यों खुले, मेरे अपने आगे मुखबरी छोड़ दे। इश्क़े अली छोड़ दे, इससे बेहतर है हम जिंदगी छोड़ दे। क्यों छिपा है अली के फजाइल सलीम, क्यों छिपा है अली के फजाइल सलीम, इससे बेहतर है हम छिपाए अली के फजाए सलीम। हो रसूलों से गर इम्तिहान हुसैन, हो रसूलों से गर इम्तिहान हुसैन, पीछे हट से डर के इश्क़े गैर के लब खिलाफ़े अली क्यों खुले, गैर के लब खिलाफ़े अली क्यों खुले, मेरे अपने आगे मुखबरी छोड़ दे। मौत से डर के अली
इससे बेहतर है हम जिंदगी छोड़ दे। मुलाहजा फरमाए, उससे पहले इजाजत चाहता हूँ एक मतला एक शेर और पढ़ो। एक हमारा भाई है उसके लिए मुलाहजा फरमाए, एक मतला एक शेर उसके बाद आपका बात। ये बात 100% बजा है, गलत खुदा की कसम नहीं है। ये बात 100% बजा है, गलत खुदा की कसम नहीं है। उन्हीं घरों उजड़ देखा जहां जरी का आलम नहीं है। मुलाजा फरमाए, देखिए आजाद, मैं भी एक गांव से ताल्लुक रखता हूं, देखेंगे कैफियत भी जरूर। हमारा मिट्टी का घर है लेकिन यहां आलम है ताजिया भी। हमारा मिट्टी का घर है लेकिन यहां आलम भी है ताजिया भी। हमारे घर से हसील रिज़वा तुम्हारा बागे रम नहीं। अब वो शेर जिसके लिए अकबर भाई एक मतलब दो शेर पढ़े, मुलाहजा फरमाए। मौज़िले करबला के जैसी अजान दे करबला में आकर, वो चाहे दाऊद हो के यूसुफ किसी के सीने में दम नहीं है। ये बात 100% बजा है, गलत खुदा की कसम नहीं। अगर मख्ता नहीं पड़ा तो कुछ नहीं पड़ा। सलीम मख्ता मैं पढ़ रहा तो लोग मतला समझ रहे हैं। सलीम मख्ता मैं पढ़ रहा हूं तो लोग मतला समझ रहे हैं। अभी कसीदे की आखिरी कलाम में हुक्म है हसन भाई का, लिहाजा फरमाए एक मतलब चंदा शाह आप सब की तरफ से दो। ऐ माहे शबे गैबत है, माहे शबे गैबत जलवे जलाना, ऐ माहे शबे गैबत, ऐ माहे शबे इकबाल।
चले आओ, फिर आके चले जाना एक बार चले आओ, फिर आके चले पथराई सी आँखों में अब खून के आंसू हैं, पथराई सी हसरत में मर जाए ना दीवाना, माहे शबे गैबत अपनों से कहाँ पर्दा होता फरमाए। हम सब की तमन्ना हाजिर करता हूं एक तज़मीन, बस आखिरी है दर से ये आखिरी ख्वाहिश है, जब जाल लबों पर हो तुम सामने आ जाना, ऐ माहे शबे गैब नर हैदरी, ऐ माहे शबे गैब। मुलाजा फरमाए एक मतलब वो शेर आपकी भी हो, अपनी तालीम क्यों कहा मैं कहा मैं उसको पहले हुक्म की तामील में मैं अरे आपको ज़्यादा सुनने वाला कहाँ मैं कहाँ मदहा खानी अली की, कहाँ मैं कहाँ मदहा खाली अली की, ये कहिए कि है मेहरबानी अली की, ये कहिए कि है मेहरबानी अली की। ये रब के लिए खाफिया अलग है, रब के लिए बस एक शेर अलग से ही मुलाजा फरमाए। खुदा मेरी माँ को जजा दे कि जिसने, खुदा मेरी माँ को जजा दे कि जिसने बिलाए बिला दिल में डाल, बिनाए बिला दिल में डाली अली की, बिठाया जो बाबा
ने मिंबर पे मुझको बिठाया, जो बाबा ने मिंबर पे मुझको तो माले मेरी नजर माली अली की, तो माले मेरी नजर मानी अली की। शेर हाजिर कर लो। नजर आई साहिल पे अब्बास बनके, नजर आई साहिल पे अब्बास बनके, लिबासे वफा में जवानी अली की, लिबासे वफा में जवानी अली की। ये कहती है हंस हंस के दीवार काबा, ये कहती है हंस हंस के दीवार काबा, मैं दिल पे लिए हूँ निशानी अली की, मैं दिल पे लिए हूँ निशानी अली की। जमीनों जमां पर तो है ही हुकूमत, जमीनों जमां पर तो है ही हुकूमत, है काबा मगर राजधानी अली की, है काबा राजधानी अली की। वहां तक सलीम अपने अशआर पहुंचे, वहां तक सलीम अपने अशआर पहुंचे, जहां तक भी हो हुक्मरानी अली की। अब मैं आखिरी कलाम में हर्षी भाई भी आ जाए, एक मतला और दो शेर मुलाजा फरमाए, मतला हाजिर करता हूं। एक गुरु पढ़ते हैं हजरत। एक और गुरु पढ़ते हैं। खुदा के दीन की शरीयत की जान है अकबर, खुदा के दीन की शरीयत की जान है अकबर, तुम्हारा हुस्न बयां हो रहा है महफिल में।
यहाँ इम्तिहान है अकबर। अब वो शेर सुने हजरत और है 14 सदियों से 18 साल है 14 सदियों से 18 साल सिलसिला है 14 सदियों से 18 साल सिलसिला ज़ईफ हो गई दुनिया और इस्लाम के साथ मरना और सुख की खिदमत में